ये है हमारे अब्दुल रहीम भाई जी। सलाम अस्सलाम अब्दुल रहीम भाई, पहले आपका क्या नाम था? पहले मेरा नाम था रमेश चंद शर्मा। संन्यास में जाने के बाद में रमेश चंद पूरी हुआ। आप संन्यास में कितने साल थे? मैं 40 साल रहा। 40 साल रहे। आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। तो काफी आप अभी आश्रम में थे तो काफी आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा, मर्सिडीज और करोड़ों रुपया। अरे साहब, 1-8 करोड़ की बात कर रहे हो? 73 करोड़। 73 करोड़ रुपए के आप मालिक थे? मैं साइन मारता हूँ। अच्छा, और क्या चीज थी मतलब कि जो अच्छा, आप मैंने ये भी सुना कि आपके जो चार ग्रंथ है वो चार ग्रंथ के आप वो भी हो विद्वान? हाँ, चारों वेद, 6, 7, 18 पुराण, गीता, रामायण, कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर सकता। तो एक एक श्लोक कोई सुनाइए। शांताकारं भुजगे शयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगनं सर्वलोके के नाथ। सर्वलोक के नाथ का मतलब होता है मालिक। नाथ माने संस्कृत कहते हैं मालिक के। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रगम ब्रह्मा शंभु भरदर सेव्यम नीशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मुचम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम नान्यास प्रहारक पते हृदय स्मादीय सत्यम बदामी चे भवानी खनात्मा भक्ति प्यर्ष रघुभुंगम निर्वराम में काम आदि दोष रहितम पुरु मानसम त्यात्रित बल धामम हेम शैला भदेहम धनुष्वन कृषानु नाम ज्ञानी नाम अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है। ये आप इतनी दौलत भी थी आपके पास, चेले चपाटे, गाड़ियां, करोड़ों रुपया, तो क्या चीज ऐसी थी जो आपको ये सब छोड़ने पे उस चीज ने मजबूर किया और यहाँ पे आप गरीबी कहूंगा मैं, गरीबी की रेखा पे आप गिर रहे हो, इतने करोड़ों बंगले वगैरह छोड़ के क्या चीज थी, क्या चीज ने इंस्पायर किया आपको जो आपने कलमा पढ़ा? देखिए मैं बताऊं, एक मिसाल संन्यास। संन्यास में रह करके सुबह स्नान चाहते हैं, दिन भर हम अपवित्र रहे। क्यों रहे? क्योंकि एक पेशाब की बूंद भी अगर तन पे लग जाए, कपड़े पे लग जाए, तो वो सारा ही खराब हो जाए। जैसे मिसाल हमने एक बाल्टी जल लिया, पानी लिया और उसको भर के रख लिया स्नान के लिए, नहाने के लिए, और उसमें हम एक बूंद कतरा पेशाब की डाल देते हैं तो वह अपवित्र हो जाता, फिर स्नान नहीं करते। यहाँ इस्लाम जो है पवित्र चीज है, क्योंकि इसमें हाँ पाक रहते हैं हमेशा, पवित्र पावन पवित्र कह दीजिए, पावन पवित्र तो कर अल्लाह है, तो ये पाक जात है, ये हमको पसंद आई कि ये हमेशा पाक रहना चाहिए। यानी पाकी साफी इस्लाम में बहुत है, आपको ये पसंद है? ये पसंद आया हमें कि भाई पाक साफ रहते हैं। अगर हम पाक साफ पवित्र होकर के अगर हम प्राण छोड़ जाते हैं, अपना शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम को अल्लाह जो है कोई अच्छी जगह देगा, हम जन्नत भी नहीं कह सकते। चलो जन्नत तो है ही, लेकिन हम नहीं है उस काबिल, अब वो तो अल्लाह जाने हमें जन्नत देगा या दोजख देगा। तो इसलिए मुझे पसंद है, पाक साफ चीज पसंद है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ अनेकों मंत्र होते हैं। इस्लाम में एक मंत्र जी, क्या मंत्र है इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है, बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, और उसमें आने को मंत्र भाई, कोई गायत्री पढ़ता है, कोई महामृतांजय मंत्र पढ़ता है, जैसे ओम भूर भुवस्व है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री है। इसका अर्थ क्या है? ओम तेरा नाम है, तू सब सुखों की खान है, भूलियों कहते पिता, तू प्राणियों का प्राण है, शुभ आनंद रूप हो, तत् उसी का ध्यान धरते हैं, सवितुर जगत उत्पन्न करता है, वरेण्यम वरुण योग है, भर्गो पवित्र भजकर फिर न रहते रोग हैं, देवस्य कहते पिता तुम दिव्य गुणों से युक्त हो, धीमा ही हम ध्यान धरते क्यों पिता मुक्त हो, जियो यो ना बुद्धियों की प्रेरणा, प्रचोदयात हम ध्यान धरते सब। अच्छी बात है, तो माशाल्लाह काफी खुश हो आप और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, आप ईमान पे आ गए, मुसलमान हो गए। कोई जबरदस्ती नहीं की थी, नहीं किसी ने आपके साथ, या तलवार के आज जैसे दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैल रहा है, तो ऐसा तो नहीं किसी ने तलवार दिखा के तो नहीं आपसे कलमा पढ़ा? नहीं नहीं, या पैसों का लालच? पैसे का लालच आपको कोई क्या देगा, आप खुद करोड़पति? अरे 150 बीघे तो जमीन छोड़ के आया हूँ मैं अपनी। अच्छा, और 73 करोड़ जी कैश।